टाइमर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो है नीचे से आप देखेंगे तो ट्रेन जाएगी इसके नीचे से, तो कुछ इसको आकार दिया जा रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया जा रहा है। और चलिए मैं आपको उधर की चीजें दिखाता हूँ कैसे क्या चेंज कर रहा है। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। दोस्तों मैं राम, आप लोग अयोध्या से स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ गुरु वशिष्ठ चौराहा पे, जो कि इसका पहले नाम था टेढ़ी बाजार, तो इसको यहाँ पे जो है बदल दिया गया है, अब इसका नाम गुरु वशिष्ठ चौराहा हो गया है। और इसके आसपास जो चीजें हैं उनको काफी ज्यादा डेवलप किया गया है, तो अभी मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा क्या चीजें कैसे किया गया है। और यहाँ पे एक फ्लाईओवर का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आप सामने देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से निर्माण किया गया है। और आगे वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे कार्य जारी है, और यहाँ पे पेंडिंग वगैरह बनाया गया है जो कि रामायण कालीन की है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बंदर हैं, और फिर इधर देखेंगे तो इधर भी बंदर हैं, और भगवान श्री राम की एक प्रतिमा भी वहाँ पे है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाऊंगा, और साथ में मैं आपको यहाँ पे जो अपडेट किए गए हैं उनको भी दिखाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से यहाँ की जो सजावटें की गई है, तो ये सब प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे जो है फ्लाईओवर के नीचे आप सजावट कितना खूबसूरत तरीके से किया गया है। यहाँ का जो डेकोरेशन वगैरह किया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप नीचे जो है पेंटिंग वगैरह भी बनाया गया है, तो आप देखिए वहाँ पे जो सामने भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है, और एक हिरण भी बनाया गया है वहाँ आगे देखिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह किया गया है, और यहाँ पे जो है फूलों को लगाया गया है जो कि यहाँ पे नेचुरल दृश्य प्रदर्शित करते हैं, और डिजाइन जो है अभी बन ही रहा है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और इधर देखिए जो कि आप देखेंगे गमले को किस तरह से यहाँ पे लगाया गया है, जिसका लुक आप देखेंगे तो काफ़ी ही भव्य दिखने में लगता है। और वहाँ पे एक जो है डिज़ाइन बनाया गया है, तो ऐसा यहाँ का कुछ सीन हो रहा है जो कि फ्लाईओवर के नीचे है। पहले यहाँ से जो है लोग गाड़ियाँ आती जाती थी, बट अभी देखिए तो यहाँ पे इसको जो है गार्डन नुमा बना दिया जा रहा है, तो ऐसी कोई इस व्यवस्था नहीं है जो कि यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी। और यहाँ पे कार्य अभी करना बाकी है, यहाँ पे भी सजावटें होंगी, तो इसका आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी पेंटिंग बनाया गया है, और उस साइड भी बनाया गया, बट अभी खंभे में जो है पेंटिंग नहीं बनाया गया है। यहाँ पे क्या चीज़ होगा अभी तो इसको पता नहीं है, बट जब हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये रहा सामने रेलवे स्टेशन का जो है गेट, मेन गेट यही है, वो है रेलवे स्टेशन का। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस तरह से इस साइड से जा सकते हैं रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है इस गुरु वशिष्ठ चौराहे के फ्लाईओवर का। और ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे वर्कर्स कार्य कर रहे हैं, जो कि फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। दोस्तों अभी जो है मैं आपको अयोध्या जंक्शन का मार्ग दिखा दे रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पे डेकोरेट वगैरह किया गया, सजावटें किस तरह से की गई है। तो आप देखेंगे सामने जो है इधर दो लाइनें बनाई गई हैं जो कि आने जाने के लिए है, और ये मेन गेट रहा, तो कुछ इस तरह से इसको सजाया गया है, जो कि राम मंदिर में जो पत्थर लग रहा है उसी पत्थर से इसको सजाया गया है, और जो है पिंक कलर का यहाँ पे टाइल्स लगाया गया है। और यहाँ पे अयोध्या जंक्शन जो है अयोध्या धाम जंक्शन का बैनर लगाया गया है। और फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सजावटें की गई है। अभी जो है इसके बीच में आप देखेंगे तो खजूर का जो वृक्ष है उसको लगाया गया है, और जो है यहाँ पे अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है इसका बैनर लगाया। तो ये कोई विज्ञापन है जो कि आप देख सकते हैं, विज्ञापन हेतु संपर्क करें तो कोई होगा जो स्पॉन्सर वगैरह करता होगा, बट हमें ये सब नहीं करना है। अभी देखिए आप यहाँ पे पिंक कलर के जो टाइल्स हैं वो उधर रखे हुए हैं, और ऐसा कुछ सीन यहाँ पे दिख रहा है। आगे जो है टेंट सिटी का निर्माण हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो जो व्हाइट कलर का आप देखेंगे वहाँ पे जो घेरा लगाया गया, तो उसको उसमें जो है टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों अभी जो है मैं वीडियो शूट कर रहा था, आप देख सकते हैं ये जो है अयोध्या धाम जंक्शन जो रोड जाता है यही है। तो यहाँ पे हमको रजनीश भैया मिले, ये भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं, मंदिर का कंटेंट डालते हैं, तो आप इनको सपोर्ट कीजिए। मैं इनसे थोड़ा बात भी कर लेता हूँ, पूछता हूँ इनके बारे में। तो रजनीश भैया जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, आपने जय श्री राम जी, आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। जी मेरा नाम रजनीश तिवारी है और मैं अयोध्या से हूँ जी। जी बहुत सारी वीडियो आप बाहर का तो देखते ही आप लोग जी, आप राम जन्मभूमि का जो भी वीडियो लेटेस्ट अपलोड करता हूं, क्योंकि सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते हैं जी। जी तो मैं उसका वीडियो अपलोड करता हूं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कितना कार्य हुआ है, कहां तक पहुंचा है जी, 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो भी कार्य हुआ है सारे अपडेट में देता रहता हूं। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करिए और देखिए राम जन्मभूमि का पूरा व्यू, और हमारे चैनल का नाम रजनीश तिवारी है, लाइक करे सब्सक्राइब करे, जय श्री राम। तो इनके भैया का चैनल का जो नाम है रजनीश तिवारी, आप सर्च कर सकते हैं, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इनके चैनल का लिंक, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिए।
और फिर आगे की जो चीजें हैं मैं आपको उसको दिखाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए आगे की चीजें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ का सीन ऐसा कुछ है और चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ फ्लाई ओवर के साइड कैसे वर्क किया जा रहा है। तो इस साइड से आप देखेंगे जो है फ्लाई ओवर को कुछ इस तरह से निर्माण दिया गया। पहले ये जो फ्लाई ओवर है वो नहीं था, इधर से आप लोग सीधे लोग आते थे और जाते थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। वो चीज़ देखेंगे तो आप कितना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। बट अभी वहाँ पे जो है जाना अलाउ नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ पे हो रहा है। तो अगर कोई जाएगा तो वहाँ पे उसको चोट वगैरह लग सकती है, नीचे भी गिर सकता है, तो इसलिए वहाँ पे जाना मना है। उसके नीचे मैं आपको दिखा दूँ कैसे क्या क्या हो रहे हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन की पटरी पर, तो सामने से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो फ्लाई ओवर का निर्माण हो रहा है किस तरह से हो रहा है। ये देखिए तो रेलवे स्टेशन की ये पटरी है जो कि यहाँ से ट्रेन आती है और जाती है। तो इसी मार्ग से जो है अयोध्या जंक्शन धाम में जाती है ट्रेन। और यहाँ पे नीचे से फ्लाई ओवर का कुछ इस तरह से लुक दिख रहा है। अभी जब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे भी है जो कि पेंटिंग वगैरह बनाए जाएंगे और यहाँ पे भी सजावटें की जाएंगी, तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है। मजबूती तो बहुत ज़्यादा इसमें दी जा रही है क्योंकि ये बहुत भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ का दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे जो है अभी तक कार्य हो गया है आगे और इधर अभी तो नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या चीज़ कैसे हो रहा है। अभी मैं फ्लाई ओवर के नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ मंदिर के आकार का गेट बनाया गया है जिसपे ऊपर देखेंगे तो तीर धनुष लगाया गया और जय श्री राम लिखा गया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे दृश्य दिख रहा है जो कि वर्कर सभी कार्य कर रहे हैं, सजावटें वगैरह अभी यहाँ पे हो ही रही है। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गुरु वशिष्ठ के केंद्र पर, जहाँ से ये चौराहा मतलब ये जो सड़क है स्टार्ट होता है, तो इसको आप चौराहा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले टेढ़ी बाजार के नाम से चौराहा था, तो अब गुरु वशिष्ठ का नाम चेंज हो गया, तो आप इसको गुरु वशिष्ठ चौराहा भी कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे बैनर लगाया गया है। और आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही भव्य तरीके से घर वगैरह बनाए गए हैं यहाँ पे, जो कि पार्किंग भी है और दुकानें भी उसमें खुलेंगे जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है। इधर से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा हुआ तरीके से सजाया गया है इसको। दोस्तों अभी जो है मैं फ्लाई ओवर के साइड में हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्लाई ओवर कुछ ये पीछे है और यहाँ के आप घरे देख सकते हैं बगल में, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे घरे कुछ इस प्रकार से हैं। तो ऐसे यहाँ पे कुछ घरे दिख रहे हैं और यहाँ पे एक बड़े भवन का निर्माण कराया गया है जो कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से है। तो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह जो है बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे पेंटिंग की गई है, जो कि भगवान श्री राम की प्रतिमा है। और इसको सोशल मीडिया पर आप कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, अगर देखे होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैंने इसको पहले ही देख लिया है। और डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे देखिए सजावटें जो है की गई है, किस तरह से लाइटें अभी लग रही हैं यहाँ पे, जो कि नाइट में आप देखेंगे तो बहुत ही भव्य तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे घर का दृश्य आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, जो कि ये शॉप के लिए बनाया जा रहा है, जो कि फूड वगैरह यहाँ पे बिकेंगे। तो आप आएंगे तो यहाँ पे ये सब आपको मिलेंगे। और एक पेंटिंग आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे भी भगवान श्री राम की प्रतिमा की है, तो देख सकते हैं कितना ही भव्य तरीके से इसको सजावटें वगैरह किया गया है। और इसमें अभी जो कंप्लीट कार्य नहीं हुए हैं, तो अभी इसमें कार्य करना बाकी है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे दृश्य दिख रहा है। दोस्तों अभी मैं जो है गुरु वशिष्ठ चौराहे पर आ गया हूँ, पीछे का आप सीन देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सीन दिख रहा है। और ये जो है फ्लाई ओवर आप देख सकते हैं इसका निर्माण कार्य हो रहा है और आगे यहाँ पे जो है बदलाव किए जाए काफी भव्य तरीके से, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कि यहाँ पे पहले टेढ़ी बाजार था, तो कुछ यहाँ पे था नहीं, बट जैसे नॉर्मल चौराहा नॉर्मल टेढ़ी बाजार चौराहा था, तो यहाँ पे जो तरीका आप देखेंगे भव्य तरीके से यहाँ पे बदलाव किया गया। यहाँ पे जो तितली बनाया गया है तो आप देख सकते हैं जो कि स्टील के बनाए गए हैं, बहुत ही भव्य देखने में लग रहा है। अभी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको रख दिया गया, इसमें जो पेंटिंग डिजाइन वगैरह बनाना तो वो सब बना नहीं है। तो इसका आप देख सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं कितना ही खूबसूरत बनेगा। जब ये पूर्णतया बनकर कम्प्लीट हो जाएगा तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कितना ही भव्य तरीके से इसको देखने में लगेगा। और नीचे जो इसके देखेंगे तो लाइटिंग वगैरह लगी है, बट ये अभी जल नहीं रहा, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कार्य किया गया है। तो जब ये जलेगा तो प्रॉपर व्यू उसमें दिखेगा, बट अभी जल तो रहा नहीं है तो इसका व्यू दिख नहीं रहा। और देख सकते हैं ये कुछ गुरु वशिष्ठ चौराहा इस तरह से दिख रहा है, जो कि पहले टेढ़ी बाजार था, तो आप इसको भूल जाइए गुरु वशिष्ठ चौराहा कहिए, क्योंकि बहुत लोग अभी टेढ़ी बाजार ही कहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से उनको पता नहीं होगा कि इसका चेंज हो गया, बट इसको चेंज कर दिया गया। और यहाँ पे
एक जो है डिजाइन और बनाया गया है जो कि गोल आकार का है, जिसे आप गेंद कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कार्य किया गया है, ये भी स्टील का ही बनाया गया है। इसमें जो है अभी कार्य पूर्णता कंप्लीट हुआ नहीं, तो नीचे आप देखेंगे तो प्लास्टर वगैरह किया नहीं गया, पेंटिंग किया नहीं गया, तो इसमें लाइटिंग भी अभी नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। जब इसमें पूर्णता कार्य जो है कम्प्लीट हो जाएगा तो इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कितना ही भव्य तरीके से देखने में ये आएगा व्यू। दोस्तों अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा फ्लाईओवर, किस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और किस तरह से वहां पे डेकोरेशन जो है सजावटें किया जा रहा है। तो चलिए आगे मैं दिखा दूं, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहां पे भी देख सकते हैं एक भवन का निर्माण किया गया है जो कि पार्किंग है। तो कोशिश तरह से इसको डेकोरेट किया गया है और एक प्रतिमा आप देखेंगे तो यहाँ भी भगवान श्री राम की है और उसके उस साइड में भी एक प्रतिमा है और वहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री राम और राम मंदिर का जो है पेंटिंग किया गया है, डिज़ाइन बनाया गया है और वहाँ पे हनुमान जी का है। तो ऐसा कुछ ये इस भवन का आप देख सकते हैं व्यू दिख रहा है वीडियो में। और ये रहा साइड का फ्लाईओवर, अभी मैं चलता हूँ फ्लाईओवर के ऊपर, दिखाऊंगा कैसे वहाँ से इसका व्यू आता है। तो आप देख सकते हैं इस भवन को कितना ही खूबसूरत तरीके से सजावट और पेंटिंग वगैरह किया गया है। तो इसका अनुमान आप लोग लगा सकते हैं जब ये अयोध्या पूर्णतया बनकर कम्प्लीट हो जाएगी तो किस तरह से, किस व्यू में, किस आकार में दिखेगी, इसका अनुमान आप लोग अभी से ही लगा सकते हैं। जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी तो चल ही रहा है, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट वगैरह चल ही रहा है, सजावटें चल ही रही है, जब ये पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगी तो इसका जो है अनुमान आप लगा सकते हैं यहाँ की चीज़ों को देखकर। और जो है अभी आप धर्मपथ पर देखेंगे तो वहाँ पर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह किया गया है, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा जो कि पूर्णतया कंप्लीट कर लिया गया है और वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं अयोध्या से रिलेटेड ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। दोस्तों इस घर के अंदर एंट्री अभी नहीं है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, इसलिए मैं इसके अंदर का सीन आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट किसी दिन दिखाने का मौका मिलेगा तो अवश्य मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो सीन वगैरह है, अंदर में जो रूम बनाए गए हैं, अंदर का जो सजावटें किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाई है, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको फ्लाईओवर के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ कैसे क्या सीन चल रहा है और वहाँ से देखने में किस तरह से अयोध्या नगरी का व्यू आता है, क्योंकि फ्लाईओवर बहुत ही बड़ा बनाया गया है, बहुत ही ऊँचा है, तो इसलिए वहाँ से थोड़ा सीन कवर हो सकता है। और सिक्योरिटी वहाँ पर लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर अभी किसी को जाने की परमिशन नहीं है। तो डेवलपमेंट अभी इसका हो ही रहा है, वर्क हो ही रहा है, तो चलिए मैं आपको फ्लाईओवर के ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ क्या चीज़ें कैसे हो रही है। तो यहाँ का जो है सीन कुछ इस तरह से है, दोस्तों अभी जो है मैं फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा हूँ, अभी नीचे से यहाँ पे ढलान है तो इसके ऊपर मैं जाऊँगा, वहाँ से आपको सीने दिखाऊंगा किस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और पीछे आप देख सकते हैं जो मैंने घर आपको पहले दिखाया था वो घर है, और फ्लाईओवर के आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है लाइटें अभी लगी हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से अयोध्या का जो है वाटरमार्क लगाया गया है, और वो उधर जो सड़क है सेम इसी तरह से उधर भी होगा। और घर का आप देख सकते हैं ये जो ऊपर से मैं आपको कहा था दिखाने के लिए, तो फाइनल लुक आप घर का इस तरह से दिया गया है। और आप पीछे देखेंगे मतलब आगे की साइड जो कि गुरु वशिष्ठ चौराहे की तरफ, तो गुरु वशिष्ठ चौराहा कुछ इस तरह से यहाँ से दिख रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर डेकोरेट वगैरह सजावटें किया जा रहा है जो कि अभी कार यहाँ पर जारी है, तो यहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, बट मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि मैं तो अभी घूमने तो आया नहीं हूँ, वीडियो बनाने आया हूँ, सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ और लोग देखना भी चाहते हैं अयोध्या में क्या डेवलपमेंट कैसे किया जा रहा है, तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो है स्ट्रीट लाइटें अभी लगाई नहीं गई हैं, यहाँ पे देखिए साइड में रखी हुई हैं, तो इनको जहाँ पे जिनकी ज़रूरत होगी तो वहाँ पर उनको लगा सेट कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी जो है मैं फ्लाईओवर के जस्ट ऊपर आ गया हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, चलिए वो उसको भी दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे कार वर्कर लोग कर रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सरिया रखा गया है जो कि इनकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल घर में जो छत के घर के छतों में लगते हैं उनसे लगभग 2 या 3 गुना होगा, तो ये फ्लाईओवर को बनाने में मजबूती बहुत ज़्यादा प्रदान करेगा। और यहाँ पे जो फूल वगैरह आप देख सकते हैं पेंटिंग कुछ इस तरह से किया गया है, वर्कर जो है आगे कार्य कर रहे हैं, और क्रेनें बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं वहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि 2 क्रेनें इस साइड में है, एक किरान उधर है, तो 3 किरान मिलकर हो गए। और इसके ऊपर जो है एक किरान रखा गया है और वर्कर्स कार्य कुछ इस तरह से कर रहे हैं, जो कि अभी देखिए सरिया को काटा जा रहा है यहाँ से, तो कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू दिख रहा है।
इधर भी सरिया कट जाता है, पतला सरिया है, छतों में यूज किया जाता है। यहाँ पे ठेला भी लाया गया है, वर्कर्स कुछ इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, आगे जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उधर कॉन्ट्रेक्शन का वर्क हो रहा है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है आगे। और एक क्रेन उसके साइड में लगाया गया वहाँ पे है और वर्कर यहाँ पे कर रहे हैं। नीचे से मैं यहाँ से ऊपर से आपको नीचे का कुछ व्यू दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं अयोध्यापुरी का कुछ इस तरह से नीचे से व्यू दिख रहा है। ये तो पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट जितना भी कर पा रहा है आप देख सकते हैं, जो बड़ा वाला घर आप उनको दिखाए थे वो वहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है, और नीचे जो है कॉन्ट्रक्शन का जो सरिया वगैरह आप देख सकते हैं आगे है, उसको काट पीट करके यहाँ पे लाया जाता है। तो लेबर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे जो है नीचे से आप देखेंगे तो ट्रेन जाएगी इसके नीचे से, तो उसको इसको आकार दिया जा रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया जा रहा है। और चलिए मैं आपको उधर की चीज़ें दिखाता हूँ कैसे क्या चीन चल रहा है। और ये देख सकते हैं जो कि रेलवे स्टेशन जाती है अयोध्या धाम जंक्शन, तो ऐसा यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रहा है। दोस्तों मैंने फाइनल व्यू दिखा दिया यहाँ के, किस तरह से कार्य हो रहे हैं, कॉन्ट्रक्शन वगैरह किस तरह से हो रहा है, डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, और फ्लाईओवर का निर्माण किस तरह से हो रहा है, और गुरु वशिष्ठ चौराहा जो है मैंने उसको भी आपको दिखा दिया, वहाँ पे जो है बदलाव किस तरह से किया गया है। अभी जो है वहाँ पे पेंटिंग वगैरह सजावटी नहीं की गई तो इसलिए उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहा है, बट जब पेंटिंग वगैरह हो जाएगी तो रात में जो नाइट में जो उसका सीन और व्यू दिखेगा बहुत ही दिव्य भव्य और सुंदर दिखेगा। तो उसको जब पूर्णतया कम्प्लीट कर दिया जाएगा फिर मैं एक वीडियो उसका भी बनाऊंगा जो नाइट व्यू होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं नाइट भी दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। दिन में जो है लाइटें वगैरह बंद रहती तो इसलिए वहां पे जो व्यू और सीन दिखता है उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखता है, बट जब यहां पे सजावटें हो जाएंगी और जब लाइटें जलेंगी रात में तो देखेंगे तो बहुत ही भव्य और खूबसूरत दिखेगा। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।